दही भल्ले बनाने के लिए ये उड़द का दाल मैं एक कटोरी रखी हूँ और 2 चम्मच ये मूंग का दाल है। ये दोनों को हम भीगने के लिए रख देते हैं 5-6 घंटे के लिए। दाल भीगने के लिए मैं रख दी थी, ये 5 घंटे के लिए मैं भीगने के लिए छोड़ी थी। सो ये अच्छा से फूल गया है। जितना देर इसको आप भीगने के लिए छोड़ेंगे उतना अच्छा सॉफ्ट दही भल्ले बनेंगे। तो अब इसमें का पानी हम निकाल देते हैं और इसको पीस लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी मैं नहीं डाली हूँ, अच्छे से फूला हुआ है तो ये ऐसे ही पीस जाएगा, और नहीं पीसेगा दिक्कत होगी तो हम 1 चम्मच पानी डालेंगे। दाल को मैं अच्छे से पीस ली, फाइन पेस्ट बना है इसका। मैं इसमें बिल्कुल भी पानी यूज नहीं की हूँ पीसने में। एकदम फाइन है ये। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल का पेस्ट मैं बर्तन में निकाल ली। अब इसमें मैं 1 चुटकी जितना हींग डाल देती हूँ और इसको हमें हाथ से फेंटना है। ऐसे हम 5 से 7 मिनट तक गोल गोल घुमा के हाथ को और अच्छे से फेंटेंगे दाल को। इससे हमारा दही बाड़ा बहुत सॉफ्ट बनेगा। ऐसे भी मैं मूंग दाल इसमें यूज़ की थी उड़द दाल के साथ, तो इसका दही बाड़ा ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट भी बनता है। सो इसको हम अभी फेंटते हैं 5 से 7 मिनट तक। 5 से 7 मिनट तक फेंटने के बाद आप देख सकते हैं इतना क्रीमी टेक्सचर इसका हो गया है और ये वाइट ज़्यादा हो गया पहले से देखने में। अब इसमें से हम दाल का थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं और ये पानी में हम डाल के देखते हैं। ये देखिए पानी में ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। अब इसका हम बड़ा बना लेते हैं। बड़ा फ्राई करने के लिए मैं तेल गर्म होने के लिए रख दी थी। अब मैं पानी में थोड़ा सा हाथ को डुबो लेती हूँ और ये दाल का पेस्ट लेंगे ऐसे और इसको तेल में फ्राई करने के लिए ऐसे रख देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम बड़े को फ्राई करेंगे और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेते हैं। दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको अब हम निकाल लेते हैं। एक बैच का बड़ा मैं फ्राई कर ली, अब दूसरा बैच से हाथ थोड़ा सा गीला कर लेंगे और ये दाल का पेस्ट लेंगे। इस बार मैं थोड़ा सा ऐसा चिपता करके बना रही हूँ। ऐसे ही सारे बाड़े को फ्राई कर लेते हैं। आप देख सकते हैं बड़े कितने बड़े बड़े फूल के हो रहे हैं। अच्छा से मैंने दाल का पेस्ट जो था वो अच्छा से फेटा था, इसलिए ये इतने अच्छे गोल गोल बड़े बने हैं, फूल के बड़े बड़े से हो गए हैं। और इसको हमें पानी में डालना होगा तो ये और बड़ा हो जाएगा। बड़े को मैं फ्राई कर ली, आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट देखने में ही लग रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सॉफ्ट है। मैं एक बड़े को दिखा देती हूँ दबा के, ये देखिए कितने सॉफ्ट है ये, एकदम रुई जैसे इसके दही बड़े बनेंगे। इसको अब मैं पानी में डाल के रखूँगी। तो ये बर्तन में मैं पानी ले ली हूँ, इसमें 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, 2 चम्मच दही डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हींग इसमें पानी में डाल देते हैं, हींग हम बड़े बनाए हैं उसमें भी डाले हैं, इसमें भी थोड़ा सा डाल देते हैं। हींग डाइजेशन के लिए अच्छा होता है तो इसलिए मैं हींग इस पानी में भी डाल दी।
अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें ये बड़े को हम डाल देते हैं। ढक के इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10-15 मिनट से मैं बड़े को ढक के रखी थी पानी में। अब हम बड़ा सर्व करते हैं। एक गाढ़ी दही में ले ली। अब इसमें हम 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल देते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। दही थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है हमें, तो हम इस बड़े में जो दही का पानी डाले थे इसमें से थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। जितना बड़ा हमें सर्व करना होगा उतना बड़ा हम इसमें से थोड़ा सा पानी निचोड़ देते हैं और इसमें डाल लेंगे दही में। अब इसके ऊपर हम दही डालेंगे। हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी है ये, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर। धनिया पाउडर से बहुत अच्छा बड़े का टेस्ट लगता है। दही बड़ा में थोड़ा सा आप धनिया पाउडर डाल के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा हम भुजिया से गार्निश कर लेते हैं। दही बड़ा हमारा तैयार है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। मैं एक दही बड़े को काट के भी दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये। फ्रेंड्स देखिए हमारा दही बड़ा कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए एकदम रुई जैसा सॉफ्ट है। सो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।